क्रश करा, हो गया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग विद ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा होंगे। तो सबसे पहले आज का मेरा लुक आप सभी देख लीजिए। ये वो वाली साड़ी है जो विदाई में मैंने पहना था, विदाई वाली साड़ी है मेरी। और आज हम जा रहे हैं जो एक यहाँ का दर्शन करना है जिस मंदिर पे, तो उसके लिए। और यहाँ पे बैठे हैं मतलब बाबू और शक्ति, मान्या, पूजा, शीतू, मैं और ये हम इतने सारे लोग जा रहे हैं। वाशू नहीं जा रहा है, भूल भी नहीं जा रही, उसकी तबीयत सही नहीं है तो वो भी घर पे है और हम लोग इतने लोग जा रहे हैं। और हाँ, मैंने एक चीज़ बताया नहीं आप सबको, बता दो शक्ति, चलो बता दो। ये पेंडेंट आपको कैसा लग रहा है आप सबको? ये मुझे इन्होंने मोदी खाई गिफ्ट दिया है और एक बहुत ही अच्छी सी पायल, मैं वो आपको बाद में दिखा दूंगी। अभी उजाला है, शक्ति में भी फोकस किया जाए। बाबू तुम भी वो क्या कर रहे हो? और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, इन्होंने जब देखा था तभी ये सोचा था कि मैं इसको वो दिखाई में दूंगा, तो मेरे सामने आया, मैं तो खुश हो गई कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद। वो चौड़े वाले से ज़्यादा मुझे ये वाला पसंद था, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। और लोग बोल रहे हैं ये लोग कि इतना ज्वेलरी पहन के मत जाओ, लेकिन मैं सोच रही सिर्फ एक रेड रिंग निकालूँ क्योंकि ये थोड़ी बहुत ज़्यादा लूज है। नहीं, और भी निकालना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और दर्शन वगैरह करना है तो कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा वाला वाला तो ये बड़ा वाला निकालूं? नहीं, मैं बड़ा वाला निकालूं, छोटा वाला। चलिए देखती हूँ क्या क्या निकालना है। ठीक है, देखती हूँ। सही बात है, बाहर जाना है तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि डर होता है ना। हालांकि है मेरे साथ 1 2 3 लड़के हैं, लेकिन फिर भी बाहर जा रहे हैं आप, भीड़ भाड़ में जाएंगे तो थोड़ा सा डर रहता है। मैं देखती हूँ दो, क्यों तुम नहीं जा रहे? क्या जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं ना निकाल ही देती हूँ कुछ, आप सब बस देख लीजिए मेरा कैसी लग रही है साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत। इस साड़ी को जब मैंने पहली बार देखा मेरी नज़र ऐसे ही गई, मैंने कहा वो साड़ी निकालिए। जैसे ये भैया ने निकाला, शॉप वाले भैया ने, मैंने कहा मुझे ये पैक कर दीजिए, मैं लूँगी जरूर। चलिए कुछ कम कर लो। बताओ, कंगन निकाल दिया, गुच्ची निकाल दिया, आप कह रहे सब। मंगलसूत्र भी निकालो, मंगलसूत्र भी निकालो। ये बड़ा वाला दे दो ना। चलिए, छोटा वाला पहना हुआ है, बड़ा वाला निकाल ही देती हूँ। पर इससे लुक अच्छा लग रहा था, कंप्लीट लग रहा था। लुक तो बाद में क्लियर कर लेंगे, भीड़भाड़ वाली जगह से थोड़ा बच के रहना चाहिए। रिच था, मैं भी कहता हूँ रिस्क है। और ऊपर से वो प्योर गोल्ड है। ये कह रहा है ये भी रिस्क, ये मेरा बच्चा भी कह रहा है रिस्क है। मेरा हाथ सूना हो गया। चलिए कोई बात नहीं, सही बात है, रिस्क है ही है। थोड़ा मन को समझाना चाहिए ज़्यादा नहीं वो करके जाना चाहिए। हाँ, हाँ, रात में, सही बात है, रात हो गया। चलिए मैंने कंगन भी निकाल दिया, जो हैवी हैवी था सब निकाल दिया। हाँ, कह रही हूँ इनको मेरा नेकलेस चाहिए, इनको मेरा नेकलेस चाहिए। अरे 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 अरे, नेकलेस चाहिए भैया, थोड़ा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये हार चाहिए, चाहिए देखो नेकलेस चाहिए। ले लो, तुम बड़ी हो जाओगी तो हम तुमको दे देंगे। अभी तुम बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओगी तो हम तुमको दे देंगे ये, ठीक है? बड़ी बुल्लू माला बुल्ला लड़का नीचे पानी और भाई सुबह चलो उधरिए। पावर बैंक और मोबाइल दोनों लेके जा रही हूँ। मैं वीडियो अपलोड नहीं है, अपलोड कर रही हूँ मैं वीडियो, इसके लिए मैं काम कर। घूमने निकली है ना, वॉक करना इसको तो वॉक करना रहता है ना बराबर। हम लोग आ गए हैं नमो घाट। अब यहीं से जाएंगे बोट के थ्रू जहां हमें दर्शन करना है। तो आप सभी बने रहिए। आठ बज गए हैं, 8। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। दोस्तों ये हमारा बनारस है। बनारस आप सब क्या कर रहे हैं? आप सब आइए, बनारस पे आइए और घूमिए। मैं आप सबको घुमाऊंगी। सुनिए, आप सब आइए, बनारस घूमिए, मैं आप सबको घुमाऊंगी। आइए जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। बाबू कहाँ गया? चलो चलते हैं। हम लोग वो नज़ारा देखेंगे, वो वाला ये लाइट भी चला गया, फिर से आ गया। हमारा उस दिन वाला शूट हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ। मैं अपना वीडियो पब्लिक कर लूँ। यहाँ पे रास्ते में एडिट वगैरह किया है, पब्लिक कर लूँ। एक बार हमने सोचा कि हम इस पे भी बैठे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, वाशु का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद हम आएंगे तो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो हमने ये सब नहीं किया क्योंकि हमारा मेन पर्पस था गंगा पूजा। जैसे कि क्या होता है ना, यहाँ का रूल है बनारस का कि शादी के बाद जो कपल होते हैं तो वो गंगा पूजा जाता है, तो गंगा जी की पूजा की जाती है। तो कुछ चीज़ें जो थी वो मम्मी पापा ने कर दिया था, हमें दर्शन करना था जा कर के जिस मंदिर पर उन्होंने बताया था। तो नाइट का टाइम था, लेकिन पता है बारिश हल्की हल्की हो रही थी। और इसके बाद आप सभी देखिएगा, इतना मज़ा आया रिटर्निंग में कि बारिश में भीगते हुए हम लोग बोट पे आए थे। और बारिश होने वाली थी इसलिए बहुत सारे बोट वाले जो थे ना वो रेडी नहीं हो रहे थे जाने के लिए, बट कैसे कैसे करते करते एक लोग रेडी हुए तो फिर हम गए वहाँ पर। और हम इसी रास्ते गए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ा था, तो जो कच्चा रास्ता था हम उसी रास्ते चले गए कि इधर से पहुँचेंगे, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बारिश अगर तेज़ होने लगेगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर हम कैसे जाएंगे। क्योंकि यहाँ से बोट पे बैठ कर के हमें जाना था दशाश्वमेध घाट, मतलब नमो घाट से बैठ कर के उसके बाद दशाश्वमेध घाट हमें जाना था। तो बोट के थ्रू हमने सोचा इधर ही से चले, क्योंकि उधर पे पता है कार पार्किंग का जगह नहीं है, दशाश्वमेध घाट पे बहुत दूर जा कर के है और यहाँ पे पास में ही पार्किंग होता है। और सबका मन था कि नमो घाट चलेंगे, उसके बाद वहीं से नमो घाट भी घूम करके फिर उसके बाद बोटिंग के थ्रू हम जाएँगे उधर जहाँ पर हमें दर्शन करना था। क्लियर वॉइस नहीं आई है इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। गंगा जी को लोग सामने ही हमने देखा कि गंदा कर रहे थे, तो उसी पे मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। जब हम पिछली बार भी गए थे तो भी इस तरीके से मैंने देखा गंदगी कर रहे थे। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है कितना मेहनत कर रही है कि साफ़ सुथरा रहें गंगा जी, लेकिन लोग जो है ना वो साफ़ सुथरा रहने नहीं दे सकते हैं। अब मेरा थोड़ा डर खत्म हो गया है। तबियत खराब होगा और सबसे बड़ी बात फोन चला जाएगा। हम खुद डूब जाएंगे पर इनका फोन नहीं डूबने देंगे। कितना बात हो कहीं घर पे बैठे मोबाइल आप लीजिए फोटो। अभी तो पता कहाँ चल रहा है, आप लीजिए पता कहाँ चल रहा है। भूख बैठे अरे उधर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और मुझे हर बार बहुत डर लगता था बोट पे, मैं जल्दी बैठती ही नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं आराम से बैठ गई और व्यू आप सभी देख सकते हैं, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना। आप सभी बनारस आइए जो बनारस के नहीं हैं, और आकर के बोटिंग कीजिए। थोड़ा सा इवनिंग टाइम में कीजिएगा, जिस टाइम गंगा आरती होता है ना उस टाइम में बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। और हर एक घाट पे आपको ले जाएंगे, मतलब पूरा 80 घाट तक लेकर के जाते हैं। बोट में बैठिए और पूरा बैठ करके गंगा आरती देखिए, पूरे घाट का दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। पता है वीडियो 1 घंटे की थी, बहुत कट करने के बाद भी इतना मिनट का वीडियो बन गया। बट आप सब भी तो बोलते हैं कि वीडियो लॉन्ग बनाया कीजिए, तो देखिए लॉन्ग वीडियो। इनकी मेहंदी देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड़िया। एक हाथ में गुड़िया इन्होंने लिखवाया था और एक हाथ में निवेदिता, और मैंने भी इनका नाम लिखवाया था। पता नहीं आप सबको मैंने मेहंदी दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, मुझे याद नहीं है। तो इसमें क्लिप था तो मैंने कहा आप सबको दिखा दो। और हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से इसमें है लोग बोट पे, वो भी जा रही है ना बोट। भैया आगे बोट है, थोड़ा साइड ले लीजिएगा। वो सारे घाट दिख रहे हैं। इधर इधर फिर हम पहुँचे दशाश्वमेध घाट और वहीं पे हैं शीतला माता जी, तो उनका हमने दर्शन किया और साथ साथ में आप सबको भी कराया है, जितने भी भगवान जी हैं वहाँ पे, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, पूरा टाइम ऐसे खड़े रहते, नहा रहे लोग यहाँ पे, तो आगे थोड़ा सा जलाना पड़ेगा, बोट में जला लेना। ना जाओ। बरसातें यादें ऐसे करके लोग भिगोगे हमसे हैं। टाइटैनिक वाला। हाँ टाइटैनिक सामने रिपोर्ट है। टाइटैनिक वाला पोस्ट दीजिए बता रहे। अरे कुएं को तो लीजिए। भीग गई दोस्तों, क्या कारीगरी है। दर्शन, गंगा जी की पूजा, सब कुछ हमारा बहुत अच्छे से हो गया और बारिश भी होने लगी तो और ज़्यादा मज़ा आने लगा। बारिश में बोटिंग का मज़ा ही कुछ और था। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लहंगे वाली वीडियो इसके बाद जाएगी तो देखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।